हम लोग का जो नेक्स्ट फ्लो है अब वो लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी समझ लेते हैं कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा भाई कायदे के साथ सब लोग। तो लेमिनार और फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो समझने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पाइपलाइन है, ठीक, और उसी तरह से मैंने यहां पर भी एक पाइपलाइन बना दी। तो ये मैंने दो पाइपलाइन बना दी, एक पाइपलाइन में मैं आपको लेमिनार फ्लो समझा दूंगा और दूसरी पाइपलाइन में आपको टर्बुलेंट फ्लो समझा दूंगा। तो ये मेरी पहली पाइपलाइन और ये रही मेरी दूसरी पाइपलाइन। तो सुनिए बड़े ध्यान से। तो जब भी कभी ड्रॉट ऑफ फ्लो कुछ इस प्रकार से होता है कि ड्रॉ इस प्रकार से बहे कि ड्रॉ एक लेयर के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे बढ़े, यानी द्रव की एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लाइड करते हुए आगे बढ़े, फिसलते हुए आगे बढ़े, तब ऐसे फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो में हमेशा ध्यान रखना, जो फ्लूड पार्टिकल ऊपर वाली लेयर पे होता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, जो नीचे वाली लेयर पे होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। यानी फ्लूड फ्लोटिट कभी मिक्सिंग नहीं होती। तो फ्लूड फ्लोटिट कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, ऐसे फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अब देखिए लेमिनार फ्लो को मैं समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से फ्लूड का फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरह से फ्लूड का फ्लो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लूड का फ्लो मैंने डायग्राम बना के दिखाया, इसमें कोई भी फ्लूड पार्टिकल मान लीजिए, अगर कोई फ्लूड पार्टिकल इस लेयर पे है तो वो इसी लेयर पे आगे बढ़ेगा, किसी और लेयर पे नहीं जाएगा। तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं कि सर ये मेरा लेमिनार फ्लो है। तो लेमिनार फ्लो में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, लेमिनार फ्लो में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती। तो ध्यान रखना इसमें मिक्सिंग नहीं होती। जबकि अगर बात टर्बुलेंट फ्लो की करते हैं, अभी मैं बात करूंगा तो मैं लिख भी देता हूं कि इसमें जो मिक्सिंग होती है वो नहीं होती। मतलब जो फ्लूड पार्टिकल ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो बीच में बीच में रहेगा। तो ऐसे फ्लो को मैं लेमिनार फ्लो कहता हूं। तो जब भी कभी ड्रॉट ऑफ फ्लो कुछ इस प्रकार से होता है कि ड्रॉट की एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करते हुए आगे बढ़े, फिसलते हुए आगे बढ़े, ऐसे फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं। और लेमिनार फ्लो में मिक्सिंग अलाउ नहीं होती, मिक्सिंग अलाउ नहीं होती। इधर आइए टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये होता है, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये होता है कि फ्लूड का फ्लो किस प्रकार से हो कि जो फ्लूड के पार्टिकल है वो फ्लूड के पार्टिकल जो है हमारे इस प्रकार से बहें कि आपस में बहने के दौरान फ्लूड फ्लोटी मिक्सिंग अलाउ हो सके। तो फ्लूड फ्लोटी जब भी कभी मिक्सिंग अलाउ हो जाती है तो ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो ध्यान रखना ये मेरा जो एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाया ये एक प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा मिक्सिंग अलाउ होती है, तो टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग अलाउ होती है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि टर्बुलेंट फ्लो की बात की जाएगी तो इसमें जो मिक्सिंग होगी फ्लूड पार्टिकल की वो अलाउ होगी। मिक्सिंग अलाउ होने का मतलब ये होता है कि जो फ्लूड पार्टिकल ऊपर है वो हो सकता है वो नीचे पहुंच जाए, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाए। तो ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं और इस फ्लो को बोला जाता है लेमिनार फ्लो। बोली भाई बात सबको समझ में आ रही ना, इसमें मिक्सिंग नहीं होगी, इसमें मिक्सिंग होगी, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स मैं अभी थोड़ी देर पहले बात बताऊंगा। फिलहाल मैं कुछ बातें बता दूं आपको कि लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल बता दूं। टर्बुलेंट फ्लो के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें भी फ्लूड फ्लो की मिक्सिंग होती है वो सब टर्बुलेंट फ्लो के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि आप कभी नदी में पानी का फ्लो देखिए, नालों में पानी का फ्लो देखिए, हमेशा उनमें मिक्सिंग होती रहती है, कई फ्लूड पार्टिकल ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऊपर नीचे हो रहे हैं यदि फ्लूड पार्टिकल, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, नदी में कॉमा नालों में पानी का फ्लो, ये सब एग्जाम्पल कह सकते हो टर्बुलेंट फ्लो के होते हैं, है ना। आ जाइए इसमें क्या बोलते हैं लेमिनार फ्लो में। तो लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा मिलता नहीं है इसलिए पूछा जाता है लेमिनार फ्लो का पहला एग्जाम्पल। अच्छा एक बात और सुन लो, लेमिनार फ्लो का मतलब होता है कि मिक्सिंग अलाउ ना हो, और मिक्सिंग तभी अलाउ नहीं हो सकती जब फ्लूड आपका हाई विस्कोसिटी का हो, बहुत गाढ़ा फ्लूड हो। तो जब बहुत गाढ़ा फ्लूड होगा और वो फ्लूड लो वेलोसिटी पे चलेगा तभी आपकी मिक्सिंग अलाउ नहीं होगी या मिक्सिंग होगी नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। पहला एग्जाम्पल इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में
इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉट ऑफ फ्लो, ड्रॉट ऑफ फ्लो वो एक प्रकार का हमारा कह सकते हो लेमिनार फ्लो की कैटेगरी में आता है। कैसे? आपने थर्मोमीटर देखा है तो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है या करिए पारा एचजी, तो एचजी इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि उसका ऊपर नीचे करना वो एक प्रकार का लेमिनार फ्लो होता है। ऐसे बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें द्रव यूज किया जाता है तो उसमें जो ड्रॉट ऑफ फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो की कैटेगरी में ही आता है। इसका एक और एग्जांपल है जो काफी ज्यादा फेमस पूछा जाता है आप लोगों से, उस एग्जांपल को बोलते हैं ब्लड इन वेन्स, ब्लड इन वेन्स। ब्लड इन वेन्स का मतलब होता है कि जो आपकी धमनियां होती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसमें जो ब्लड बहता है वो भी कह सकते हो कि हमारा एक प्रकार का लेमिनार फ्लो होता है। तो मेजर इन इंस्ट्रूमेंट में ड्रॉट ऑफ फ्लो, ब्लड इन वेन्स हो गया आपका, ये सब एग्जांपल कह सकते हो लेमिनार फ्लो की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और नदी में, नालों में जो फ्लो होता है आपका वो हमारा एक प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये तो जान लिया कि लेमिनार फ्लो का मतलब होता है कि जब ड्रॉट ऑफ फ्लो परत वाइज हो, परतों में स्लाइड करते हुए लेमिनार, और फ्लूड फ्लो की मिक्सिंग हो, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, वो भी हमें जानना है, तो उन बातों को मैं यहां पर आपको बता दूंगा कौन सी बातें हैं। एक तरफ मैंने लेमिनार फ्लो लिखा, एक तरफ टर्बुलेंट फ्लो लिखा, तो मैं यहां से बातें आपको समझाऊंगा लिखूंगा वहां पर। तो बात बताइए पहले, लेमिनार फ्लो आपका बहुत ज्यादा गाढ़े द्रव में होगा, पतले द्रव में तो नहीं होगा ना, तो गाढ़े द्रव को विस्कस फ्लूइड कह सकते हो, और टर्बुलेंट फ्लो हमेशा पतले द्रव में होगा तो नॉन विस्कस फ्लूइड कह सकते हैं। अच्छा, तो लेमिनार फ्लो के एक और नाम भी होता है, लेमिनार फ्लो हमेशा गाढ़े द्रव में होता है, कभी पतले द्रव में नहीं होता, इसलिए लेमिनार फ्लो का एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग विस्कस फ्लो, या एक और नाम भी है इसका स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ध्यान रखना, लेमिनार फ्लो को दो और नामों से जाना जाता है, उसमें से पहला नाम है हमारा विस्कस फ्लो, क्योंकि गाढ़े द्रव में होता है इस वजह से, या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन इस वजह से बताया जाता है। आगे चलते जब आप स्ट्रीम लाइन पढ़ोगे तो जानोगे कि ये जो लाइनें मैंने खींची एक प्रकार की स्ट्रीम लाइन ही है। स्ट्रीम लाइन वह इमेजिनरी लाइन होती है जिसके किसी पॉइंट पे खींची गई रेखा वेलोसिटी की दिशा बताती है उस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। उसी तरह से टर्बुलेंट फ्लो का एक और नाम भी है, टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग जिगजैग फ्लो कहते हैं। अच्छा, जिगजैग क्यों बोला? आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहां जो फ्लूइड पार्टिकल है ये उधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहा है, इसलिए इसको जिगजैग फ्लो भी कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो को। इसी के साथ साथ इसका एक और नाम भी होता है, इसी फ्लो को हम लोग कई बार नॉन विस्कस फ्लो भी कहते हैं, नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेमिनार फ्लो के दो नाम है, विस्कस फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के भी दो और नाम है, जिगजैग फ्लो और हमारा कह सकते हैं कि नॉन विस्कस फ्लो। आगे बात सुनिए, लेमिनार फ्लो मैंने अभी बताया कि गाढ़े द्रव में भी होगा तभी तो मिक्स नहीं हो रही, और हमेशा लो वेलोसिटी में हो रहा, तो ध्यान रखना लेमिनार फ्लो ऑलवेज अटर, ऑलवेज अटर लो वेलोसिटी, मतलब ये हमेशा लो वेलोसिटी में हो रहा। और जबकि अगर बात मैं टर्बुलेंट फ्लो की करता हूं कि बताइए टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, तो ध्यान रखना टर्बुलेंट फ्लो जो होगा वो हमेशा हाई वेलोसिटी में प्राप्त होता है, हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो लो वेलोसिटी में हमेशा लेमिनार फ्लो प्राप्त होगा और हाई वेलोसिटी में टर्बुलेंट फ्लो प्राप्त होगा। आगे बात सुनिए, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि बता सकते हैं कि सर लेमिनार फ्लो को विस्कस फ्लो कह रहा है, विस्कस फ्लो मतलब यहां पर कन्फर्म विस्कोसिटी म्यू का मान ज्यादा होगा, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं, आप विस्कोसिटी का मान ज्यादा होने की वजह से ध्यान रखना इस फ्लो के लिए विस्कस फोर्स का मान इनर्शिया फोर्स से ज्यादा होता है। विस्कस फोर्स क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी इस तरह के लिक्विड में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स इनर्शिया फोर्स से डोमिनेट करता है। हालांकि अभी विस्कस फोर्स क्या है आप नहीं समझोगे, इनर्शिया फोर्स क्या नहीं समझोगे, जब फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे तब ये टर्म आएंगे। वैसे विस्कस फोर्स आप पढ़ चुके हो, याद करो आपको बताया गया था सीआर स्ट्रेस टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई बताया गया था। अब इस सीआर स्ट्रेस टाउ में यदि सीआर एरिया का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो जो फोर्स बनता है वो मेरा विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया था स्लाइडिंग का,
कि कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे स्लाइड कर रही है और कॉन्टेक्ट पे मैं कोई लिक्विड लगा दूं, तो नीचे की ओर जो mg sin थीटा था और ऊपर की ओर जो विस्कस फोर्स था, दोनों को बराबर किया था, है ना। तो विस्कस फोर्स हमारा म्यू पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि विस्कस फ्लो यानी लेमिनार फ्लो हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड में होता है, जिसकी वजह से यहां विस्कस फोर्स डोमिनेट करता है, ज्यादा होता है। उसी तरह से जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है, अब टर्बुलेंट फ्लो में विस्कोसिटी तो होगी नहीं, तो यहां पर विस्कस फोर्स कम हो जाता है, इनर्शिया फोर्स ज्यादा हो जाता है, यानी यहां इनर्शिया फोर्स डोमिनेट करता है। ठीक है, चलिए इतने पॉइंट हो गए, और पॉइंट सुनिए। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में बताइए सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी किस में ज्यादा होगी, घुलनशीलता, जिसको हिंदी बोलते हैं घुलनशीलता। तो ऑब्वियस सी बात है कि घुलनशीलता या सॉलिबिलिटी टर्बुलेंट में ज्यादा होगी। क्यों टर्बुलेंट में सर ज्यादा होगी, उसको भी सुनिए। टर्बुलेंट में क्या होता है कि जब फ्लूड पार्टिकल इधर उधर मिक्स होते हैं तो आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका टूटना या फिर घुलना तेज होता है। तो ध्यान रखना, आपका जो सॉलिबिलिटी होती है वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा होती है। तो कह सकते हो कि जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी वो टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा है, और जबकि जो सॉलिबिलिटी है वो लेमिनार फ्लो में हमारी कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेमिनार फ्लो में सॉलिबिलिटी कम होती है और टर्बुलेंट फ्लो में सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि चीनी को घोलते समय धीरे 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 ऐसे चलाएंगे, धीरे धीरे, तो ये लेमिनार फ्लो हो गया। लेकिन अगर उसको इधर उधर घुमा के चलाया जाए तो वो मेरा टर्बुलेंट फ्लो हो गया। घुमा के चलाने में आपको पता है कि चीनी जल्दी घुलती है, तो घुलनशीलता जो है वो टर्बुलेंट पे ज्यादा होती है। उसका रीजन यही है कि टर्बुलेंट फ्लो में हमारा फ्लूड पार्टिकल आपस में मिक्स होता है, और मिक्स होने का मतलब बस इतना सा होता है कि आपका मिक्स हो रहा तो आपस में भी टकराएगा, बर्तन की दीवार से भी टकराएगा, जिससे सॉलिबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है। बोलिए भाई, इतनी बात सबको समझ में आ रही ना। अब देखिए, लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है, ये पहचानने के लिए, ये पहचानने के लिए मेरे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं रेनॉल्ड नंबर के, रेनॉल्ड नंबर के। ये वर्ड नया आया है, इस वर्ड को मैंने क्या बोला अभी, रेनॉल्ड नंबर। आगे चलते इस रेनॉल्ड नंबर के बारे में आप बहुत सारी डिटेल में जानकारी पढ़ोगे, फिलहाल बस इतना समझ लीजिए रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, और ये ऐसी डायमेंशनलेस नंबर है जिसकी मदद से हम ये बताते हैं कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, वो चाहे फिर ओपन चैनल हो, फिर चाहे हमारा क्लोज चैनल हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी अभी देख लेंगे, फिर आगे चल के बहुत सारे मान मिलेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे, जब फ्लो डायनामिक्स पढ़ेंगे तो रेनॉल्ड नंबर को प्रूफ भी करेंगे। है, तो चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट आपके स्लाइड है वो रेनॉल्ड नंबर है ना। तो रेनॉल्ड नंबर को इसलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूं अभी, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो से रिलेट करेगी, तो रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, चलिए देखिए रेनॉल्ड नंबर, तो ये मेरा नया टॉपिक है रेनॉल्ड नंबर। तो सुनो आप बड़े ध्यान से, तो जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है वो रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। सबसे पहले यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड नंबर मेरा एक डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब रेनॉल्ड नंबर का पहले फॉर्मूला देख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर आर एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो, रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी, डी मतलब डायमीटर डिवाइड बाई म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर का ये पहला फॉर्मूला है रो वी डी अपॉन म्यू। रो मतलब आपका कह सकते हो कि ये हमारा डेंसिटी हो गया, वी वेलोसिटी हो गया, डी डायमीटर हो गया, और म्यू हमारा कह सकते हो कि म्यू जो हो गया वो हमारा विस्कोसिटी हो गया। ये फॉर्मूला आप रेनॉल्ड नंबर का पाइप फ्लोट के लिए इस्तेमाल करते हो, पाइप फ्लोट के लिए। लेकिन अगर ये ओपन चैनल होता तो यहाँ डी की जगह पे एल, कैपिटल एल पुट करते हैं, कैपिटल एल को बोला जाता है कैरेक्टर स्टेट लेंथ, वो आगे चल पड़ेंगे आप लोग। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग एक और फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, आप चाहो तो इस रो को नीचे ले आ सकते हो। तो जैसे ही रो को नीचे लाओगे तो देखो मान बनेगा नीचे क्या, बन जाएगा म्यू बाई रो, और आप सबको पता है कि जो म्यू बाई रो है वो मेरा काइनामेटिक विस्कोसिटी न्यू होता है ना।
तो म्यू बाई रो ट्राइनामेट्रिक विस्कोसिटी न्यू होता है। तो दूसरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो वी डी अपॉन न्यू बन जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए सर। ये न्यू ट्राइनामेट्रिक विस्कोसिटी, अगर याद हो तो ट्राइनामेट्रिक विस्कोसिटी का जो मात्रक आया था वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया था ना। ऊपर देखिए, ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, साथ साथ डायमीटर भी है मतलब मीटर, तो ऊपर भी मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन गया। इसका मतलब ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब टर्म पूरा कैंसल आउट हो जाएगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आपको ये भी याद रखना है, रेनॉल्ड नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब रेनॉल्ड नंबर का यूज हम लोग अपने लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में कैसे करते हैं उसे भी देख लिए। तो यहां पर पहला जो क्राइटेरिया होता है रेनॉल्ड नंबर का वो ये होता है कि यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है, 2000 से कम है तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है लेमिनार फ्लो। ध्यान रखना, ऐसे फ्लो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। अगला तीसरा पॉइंट, यदि रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है, 4000 से ज्यादा है तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है कि ये मेरा टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, ध्यान रखना ये मेरा टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब देखिए 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो और 4000 ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। तो एक यहां पर पॉइंट और भी आता है कि यदि रेनॉल्ड नंबर मेरा 2000 से ज्यादा हो लेकिन 4000 से कम, बीच वाली कंडीशन, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है कि ये मेरा ट्रांजिशन फ्लो होगा, ट्रांजिशन फ्लो। अब सुनो ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है। देखो भाई, रेनॉल्ड नंबर जब 2000 से कम थी तो फ्लो था तुम्हारा लेमिनार, 2000 तक लेमिनार, लेकिन जैसे ही 2000 से थोड़ा सा बढ़ती है ना तो फ्लो का कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लेमिनार से टर्बुलेंट में। तो 2000 वह रेनॉल्ड नंबर होती है जिसपे फ्लो आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने की स्टार्टिंग करता है, और 4000 वह रेनॉल्ड नंबर होती है जिस पर आपका लेमिनार फ्लो पूरी तरीके से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि 2000 से 4000 के बीच में तुम्हें फ्लो लेमिनार भी मिलेगा, तुम्हें फ्लो टर्बुलेंट भी मिलेगा, यानी दोनों तरह के फ्लो मिलेंगे। इसीलिए इस तरह के फ्लो को ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं, कन्वर्ट होने की स्टार्टिंग करता है। ठीक है, आगे बात सुनिए। ये जो सर तीन क्राइटेरिया मैंने लिख के दिखाए लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, ध्यान रखना ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया केवल और केवल जो है पाइप फ्लो के लिए वैलिड है। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया तुम्हारे पाइप फ्लो के लिए वैलिड है, मतलब पाइप के लिए वैलिड है, किसी ओपन चैनल के लिए वैलिड नहीं है। ओपन चैनल के लिए रेनॉल्ड नंबर में अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आगे बात सुनिए। एक और पॉइंट है, वो पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, दो तरह की वेलोसिटी होती है, उसमें से एक वेलोसिटी को बोलते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, और दूसरी जो वेलोसिटी होती है उसे बोला जाता है अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। सुन लीजिए, आगे चल के ये पॉइंट आपको और बताए जाएंगे, फिर से बताए जाएंगे। लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे कहते हैं, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि जिस रेनॉल्ड नंबर पर लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होना स्टार्ट करता है, जिस रेनॉल्ड नंबर पे लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो पे चेंज होना स्टार्ट करता है उसे लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो बताइए चेंज इन स्टार्टिंग कहां पर हुई थी, चेंज इन स्टार्टिंग कहां पर हुई थी, 2000 पे। तो 2000 पे जो रेनॉल्ड नंबर मिली थी उसे लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे, और जिस पर अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, सुनिए, जिस वेलोसिटी पे रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो पूरी तरीके से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है, तो उस वेलोसिटी को अपर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो किस रेनॉल्ड नंबर पे चेंज होता है, 4000 पे। तो 4000, देखो भाई ध्यान देना, 2000 का मान यहां रखने पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, 4000 का मान इस रेनॉल्ड नंबर पे रखने पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो तुम्हारी अपर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लोअर वेलोसिटी, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी और अपर। ठीक, तो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी पे कह सकते हो कि 2000 पे वेलोसिटी जो मिले वो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, 4000 रेनॉल्ड नंबर पे जो वेलोसिटी मिले वो अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने आपको रेनॉल्ड नंबर के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए, हालांकि ये पॉइंट मैंने लिखवाए जरूर नहीं है, लेकिन ये नंबर जो है आपको आगे चलते फिर मिलेंगे, इसलिए वहां हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल एक पॉइंट और सुनिए, देखिए ये जो क्राइटेरिया है 2000 से 4000 के बीच का, ये ज्यादातर किताबें फॉलो करती है। कई बार ये क्राइटेरिया 2000 से 4000 ना मिलकर कई बार ये क्राइटेरिया 2300 से 2800 भी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन देख लेना होता है, अगर ऑप्शन 2000 से 4000 के बीच में बनाए गए हैं तो आप इस क्राइटेरिया को लगाइए,
और ऑप्शन जो है 2300 और 2800 तो बेस मांगते हुए बनाए गए हैं, तो आप स्ट्रेटेजिक ले रहिए। कई किताबों में यह लिखा रहता है कि रेनॉल्ड नंबर यदि 2300 से कम हो तो लेमिनार, और 2800 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट, और 2300 2800 के बीच में हो तो हमारा ट्रांजिशन। लेकिन पता कैसे चलेगा हमें टेक टैटर ना, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी जो चार ऑप्शन है उसमें जगह जगह पे 2300 और 2800 लिखा हो तो समझ जाना वो लगाना है, है? और 2000 4000 लिखा हो तो ये लगाना, एक साथ दोनों लिखे हुए नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको जो है बात समझ में आ रही होगी लेमिनार फ्लो के बारे में, क्या है स्टेबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या है, इनर्सिया फोर्स क्या है, लो वेलोसिटी पे हो रहा है कि हाई वेलोसिटी पे हो रहा है, सारी बात समझ में आ रही होगी, है ना। और उसके बारे में जो मैंने यहाँ पॉइंट्स बताए, रेनॉल्ड नंबर खास तौर से 2000 से कम तो लेमिनार, 4000 ज्यादा पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। चलिए फिर ये हो चुका है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ध्यान देना कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, कंप्रेसिबल नाम से स्पष्ट है कि ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूड फ्लो के दौरान फ्लूड कंप्रेस हो सके तो कह सकते हो कंप्रेसिबल फ्लो, है ना, और कंप्रेस ना हो सके तो इनकॉम्प्रेसिबल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डेंसिटी, कंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी एंड वॉल्यूम विल बी चेंज इन फ्लूड फ्लो। तो मतलब फ्लूड फ्लो के दौरान आपका जो है डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज हो जाए तो कह सकते हो कि हमारा कहलाएगा कंप्रेसिबल फ्लो, चेंज हो जाए कंप्रेसिबल। और अगर इसी बात को उल्टा करके लिखा जाए कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा डेंसिटी एंड वॉल्यूम विल नॉट चेंज इन फ्लूड फ्लो, तब वो मेरा कहलाएगा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक, तो दोनों बातें आपको समझ में आ रही होगी कि डेंसिटी यदि कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी कई लोग बोल देते हैं, तो इन्होंने बोला है कि चेंज हो जाए, है ना, तो चेंज हो जाए तो कंप्रेसिबल और चेंज ना हो तो इनकॉम्प्रेसिबल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां डेंसिटी और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए फ्लो के दौरान, और यहां डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो बदलने चाहिए, वेरी करने चाहिए। मैं ऐसा भी लिख देता हूं कि डेंसिटी और आपका डेंसिटी भी लिख देता हूं, ये हमारा कॉम्प्रेसिबल है तो वेरी करेगा, और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां जो डेंसिटी होगी वो हमारी कह सकते हो कि कॉन्स्टेंट रहेगी, तब हमारा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो होगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल देखिए, एक बात बताइए किसी पाइपलाइन पे, जैसे कि मान लीजिए मैंने पानी को फ्लो कराया तो पानी की डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, तो पाइपलाइन में पानी की डेंसिटी नहीं चेंज होगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका पानी का फ्लो या किसी द्रव का फ्लो वो मेरा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में आएगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि जब भी तभी किसी पाइपलाइन में कोई गैस फ्लो करती है, कोई भी गैस, एयर हो या कोई और गैस हो, तो फ्लो के दौरान उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, तो वो मेरा कॉम्प्रेसिबल फ्लो में आ जाएगा। तो कह सकते हो कि कॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब हो जाएगा गैस का फ्लो, तो जो भी मेरा गैस का फ्लो होगा वो सब कॉम्प्रेसिबल फ्लो में आएगा, गैस का फ्लो। और बात यदि मैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो की करता हूं, इनकॉम्प्रेसिबल, तो कह सकते हो कि जो लिक्विड का फ्लो होगा, लिक्विड का फ्लो, वो मेरा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो की एग्जांपल में आएगा। और कोई भी लिक्विड ले लीजिए, कोई भी लिक्विड की जो डेंसिटी चेंज होती है वो उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, बहुत कम चेंज होती है आपका, है ना। इसलिए मैं लिक्विड के फ्लो को इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में कंसीडर करते हैं और गैस के फ्लो को कॉम्प्रेसिबल फ्लो में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के लिए एक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, क्योंकि ये बात एग्जामों में पूछी जाती है, ज्यादातर लड़के अलग आंसर दे देते हैं। आपने सुना होगा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, आवर्तता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, जो कि मास कंजर्वेशन पर आधारित होता है। तो जब भी तभी मैं लिक्विड के लिए यानी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहता हूं, तो आप कहते हैं A1V1 = A2V2, तो ये जो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है ये तुम्हारा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है। जबकि कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए पूछी जाए जिसमें डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, तो उससे कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी होती है ρ1A1V1 = ρ2A2V2। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, तो यहां ρ1A1V1 = ρ2A2V2 लगाना है और यहां पर A1V1 = A2V2 लगाना है। ये मेरी इक्वेशन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए।
ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और भी है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। एक आगे चल के डायमेंशनलेस नंबर पढ़ते हो, उस नंबर का नाम होता है मैक नंबर। उस नंबर का नाम होता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होती है वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। दो वेलोसिटी का रेशियो होती है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम स्टीम कहते हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो की कहते हो वेलोसिटी, और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो मैक नंबर कहलाता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी और इनकॉम्प्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो मैक नंबर होता है। तो मैक नंबर का जो क्राइटेरिया होता है ये होता है कि मैक नंबर यदि 0.3 से ज्यादा है, ध्यान देना, तो मैक नंबर 0.3 से ज्यादा है, 0.3 से ज्यादा है तो वो मेरा फ्लो होगा कॉम्प्रेसिबल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो। और यदि मैक नंबर 0.3 से कम है तो वो मेरा होगा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो ध्यान रखना, मैक नंबर यदि 0.3 से ज्यादा है तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो की कैटेगरी में आता है, और मैक नंबर यदि 0.3 से कम है तो मेरा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मैंने जितनी भी बातें कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में थी वो मैंने आपको पूरी बातें डिटेल में बता दी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म हैं वो सब आगे मिलेंगे। अभी अब सारे टर्म को एक साथ नहीं बताया जा सकता ना, है ना। जैसे कि मैक नंबर आ गया तो ये सब आगे चल के मिलेगा। अभी मैक नंबर से रिलेटेड और भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि सोनिक सुपरसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, हाइपरसोनिक फ्लो, ये सब मिलेंगे अभी आगे चल रहे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। चलिए समझिए रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो कैसे। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये कोई फ्लूड पार्टिकल है, कोई भी फ्लूड पार्टिकल, थोड़ा जूम कर दिया, बड़ा हो गया, तो ये फ्लूड पार्टिकल लीनियर मोशन भी करता है, इसको लीनियर मोशन कह रहे हैं, और एंगुलर मोशन भी कर रहा है, मतलब घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ध्यान रखना, घूम भी रहा है अपनी एक्सिस पे, अपनी एक्सिस पे घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है, लीनियर भी कर रहा है और आपका एंगुलर मोशन भी कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये मेरा मोशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आगे बढ़ते बढ़ते घूमना। तो जब भी तभी कोई भी फ्लूड पार्टिकल घूमते घूमते आगे बढ़े, यानी अपनी एक्सिस पर टर्न करते करते आगे बढ़े, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है कि ये मेरा फ्लो रोटेशनल फ्लो है, ONL फ्लो, रोटेशनल फ्लो है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि कोई फ्लूड पार्टिकल आगे तो बढ़ रहा है, ये देखिए ये आगे तो बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा, मतलब सॉरी टर्न नहीं कर रहा। तो जब टर्न ना करे, कोई आपका एंगुलर मोशन ना करे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि टर्न नहीं करेगा तो केवल और केवल आगे बढ़ेगा। तो जब भी कभी कोई फ्लूड पार्टिकल केवल आगे बढ़ेगा तो ऐसे मोशन को बोला जाता है कि ये मेरा इरोटेशनल मोशन है, ठीक है, इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। तो आप सबको पता चल दिया होगा कि यदि टर्न करेगा लीनियर के साथ टर्न करेगा तो वो हमारा रोटेशनल होगा, और लीनियर के साथ टर्न नहीं करेगा तो इरोटेशनल होगा, है ना। अच्छा सर, ये बताइए जो रोटेशनल और इरोटेशनल बताइए, इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है मेरा कह सकते हो रोटेशनल कंपोनेंट से, आगे चल के मिलेगा। रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड होते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी रोटेशनल फ्लो हो रहा, तो रोटेशनल फ्लो हो रहा तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ये तीनों के मान जीरो के बराबर नहीं होंगे। भाई नहीं होंगे तभी तो वो रोटेट करेंगे ना, जबकि रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो के लिए ये रोटेशनल, हाँ इरोटेशनल फ्लो मतलब रोटेशन नहीं हो रहा। तो रोटेशन नहीं हो रहा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस फ्लो के लिए ओमेगा एक्स भी जीरो हो रहा, ओमेगा वाई भी जीरो हो रहा और ओमेगा जेड, इनको बोला जाता है रोटेशनल कंपोनेंट। कैसे निकाले जाएंगे वो अभी आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। ये आप जान लीजिए, रोटेशनल का मतलब ये होगा कि रोटेट करते करते आगे बढ़े, और इनके लिए ये कंपोनेंट जीरो नहीं होंगे, तब आप कहोगे रोटेशनल, और इरोटेशनल के लिए कंपोनेंट जीरो होंगे। क्लियर है? अच्छा सर, ये रोटेशनल और इरोटेशनल की बात हो रही, मैं इस बात को विस्टस और नॉन विस्टस से थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। देखिए रिलेशन किस तरह से है तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब बहुत डेफिनेशन एक बार और बोलूंगा रोटेशनल की।
जय अब लीनियर मोशन के साथ साथ एंगुलर मोशन भी करता है, ऐसे फ्लो को रोटेशनल फ्लो कहते हैं। और जब भी कभी कोई फ्लूड पार्टिकल केवल लीनियर मोशन करता है, एंगुलर मोशन नहीं करता, ऐसे फ्लो को इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, बाकी वो मैंने बताया। चलिए अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा विस्कस और नॉन विस्कस से इसको रिलेट करके, जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से कायदे के साथ, जैसे कि मैं आपको यहां पर दो तरह के फ्लो बताता हूं। ये देखिए, ठीक, देखिए मैंने दो डायग्राम बनाए, डायग्राम को देखकर साफ साफ पता चल रहा होगा इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है ऊपर से नीचे, इसका मतलब कंफर्म ये मेरा विस्कस फ्लो होगा। ये कौन सा फ्लो होगा? ये विस्कस फ्लो होगा। और इसमें ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा फ्लो होगा? सर ये मेरा नॉन विस्कस फ्लो होगा। ठीक, अरे बात सुनिए, अब एक बात बताइए, अगर यहां पर देखो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी है जबकि यहां रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, यहां रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है, है और यहां तो एक बात बताइए, कोई फ्लूड पार्टिकल अगर इन दो लेयर के मध्य आ जाएगा, इन दो लेयर के मध्य आ जाएगा, जैसे कि एक फ्लूड पार्टिकल इन दो लेयर के मध्य आ गया, ऊपर वेलोसिटी वी वन है, नीचे वेलोसिटी वी टू है, थोड़ा ध्यान देना, तो दोनों में वेलोसिटी में डिफरेंट आ गया ना, तो दोनों वेलोसिटी अलग अलग है, तो जब दोनों वेलोसिटी अलग अलग है तो बताइए जरा, अगर ये दोनों वेलोसिटी सेम होती तो फिर इसको रोटेशन नहीं मिलता, लेकिन दोनों वेलोसिटी अलग है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां रोटेशन मिल जाएगा। तो विस्कस फ्लो हमेशा रोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल। और जो मेरा नॉन विस्कस फ्लो होता है वो मेरा इरोटेशनल फ्लो होता है। वेलोसिटी ये बराबर हो गया तो कह सकते हो रोटेशन नहीं मिलेगा, तो ये मेरा इरोटेशनल फ्लो होता है। ठीक, तो आप सबको ये बहुत छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझना था कि वेलोसिटी अलग अलग होगी तो रोटेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी सेम होगी तो रोटेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके अबाउट जब रोटेशन देखा जाएगा तो नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा आपका ना। तो यहाँ है, तो विस्कस फ्लो रोटेशनल फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी है। तो चलिए फिर, ये हमारा रोटेशनल और इरोटेशनल के बारे में जितनी बातें थी वो समझा दी रही हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड आपकी क्या है। तो मेरे पास अगली स्लाइड है आपके पास, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए जरा, आगे चल के मैं आपको एक बात और बता दूंगा, यहां पर थोड़ा सा बात सुन लीजिए। जैसे कि ये है हमारा रोटेशनल फ्लो, तो रोटेशनल फ्लो में जब भी कभी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इन रोटेशनल फ्लो में जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर और याली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये बात ध्यान रखना है ना, यानी यहां पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हाफ एम वी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो केवल और केवल हाफ एम वी स्क्वायर को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड सुनिए। तो लास्ट फ्लो बचा हुआ था जिसको बोला गया था 1D, 2D and 3D फ्लो। अब 1D, 2D and 3D फ्लो देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसको भी समझ लेते हैं 1D, 2D and 3D फ्लो। देखिए अब क्या होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। तो वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, अभी आगे चल के एक बात आपको पता चलेगी, मैं आपको साइड में बता भी दूं वो बात, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी वो बात। देखिए बड़े ध्यान से, तो सुनिए वो बात पहले समझ लीजिए। जैसे कि मैं कह दूं कि किसी फ्लूड फ्लो में जो टोटल वेलोसिटी वेक्टर है जिसको मैं कैपिटल वी कह रहा हूं, उसका जो मान लिखा हुआ मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यू आई टैप प्लस स्मॉल वी जे टैप प्लस डब्ल्यू टेट है। तो वेलोसिटी वेक्टर वी का मान मैं किसी भी फ्लूड फ्लो के लिए, भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है यू वी डब्ल्यू लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं कि सर ये यू क्या है, तो यू तो बोला जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। किसी भी फ्लूड पार्टिकल की
किसी भी फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो कह सकते हो कि ये मेरा यू कहलाएगा। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि बताइए जरा सर ये वी क्या है, तो v तो बोला जाएगा वेलोसिटी इन, अब देखिए v है और v j के साथ लगा हुआ है इसलिए वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। उसी तरह से पूछा जाए कि सर ये w क्या है, तो वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो x y z आप ऐसा कह सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी u v w तीनों डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना। चलिए फिर आगे बात सुनिए। हाँ, अब फिर से यहां पर आ जाइए, तो 1D फ्लो अब मैं आपको बता रहा हूं जा रहा हूं। तो पहली जो डेफिनेशन लिखी है ये मेरे 1D फ्लो के लिए है, ध्यान दीजिएगा 1D फ्लो के लिए ये पहली डेफिनेशन क्या है। 1D फ्लो, 1D फ्लो का मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ना वो केवल केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड करना चाहिए। अब देखिए जब मैं कह सकते स्पेस की बात करता हूं, स्पेस की बात करता हूं तो वहां पर तीन कोऑर्डिनेट बन सकते हैं एक्स वाई जेड, टाइम तो अलग भी बन सकता है लेकिन एक्स वाई जेड तो तीन पैरामीटर बन सकते हैं। तो 1D फ्लो का मतलब ये होता है कि जब भी कभी वेलोसिटी का मान केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड रहे, केवल सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड रहे, तो ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग 1D वेलोसिटी। तो देख लीजिए 1D वेलोसिटी डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज द फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज द फंक्शन ऑफ वन कोऑर्डिनेट ओनली, वन कोऑर्डिनेट ओनली, ध्यान दीजिए ना, केवल एक पर डिपेंड करे, तो ऐसे को बोला जाता है 1D फ्लो। इन Other two perpendicular direction is neglected. मतलब other two perpendicular direction में जो velocity है वो हमारा कह सकते हो कि फिर change नहीं होनी चाहिए, वो हमारी negligible होनी चाहिए। ठीक है, तो 1D flow कहते हैं। तो 1D flow अगर मैं mathematical language में लिखूं तो ऐसा कह सकता हूं velocity एक function पे depend होनी चाहिए, बस एक function पे depend होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे flow को बोला जाता है कि सर ये मेरा 1D flow है, और जो चेंजमेंट है परिवर्तन है वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी, ये बात जरूरी है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, यानी अदर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेरिएशन होगा वो जीरो होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अदर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का मान है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 2D फ्लो देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज द फंक्शन ऑफ टू डायमेंशनल ओनली, मतलब आपका टू कोऑर्डिनेट ओनली, तो जो आपका जब वेलोसिटी जो है वो दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे, तो दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, जैसे कि यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, तो वेलोसिटी भी वी भी डिपेंड करेगा एक्स और वाई पे। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे, और जबकि तीसरा जो आपका कंपोनेंट है वो कॉन्स्टेंट रहे, वो हमारा ना बदले, वेरिएशन ना हो तीसरे में। और थर्ड आपका होता है 3D फ्लो, 3D फ्लो का मतलब होता है जब वेलोसिटी का आपका थ्री कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करे, यानी u भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, v भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, और w भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है कि सर ये मेरा 3D फ्लो है। तो आपका कोई भी फ्लो में वेलोसिटी एक फंक्शन पर डिपेंड करे तो 1D फ्लो, दो पर डिपेंड करे 2D, तीन पर डिपेंड करे 3D। ठीक है, इसको पहचानने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, जब भी कभी आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाए, जब भी कभी आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाए, आप बस ये देख लो कि उसमें एक्स है कि वाई है, अगर एक्स है तो 1D, एक्स वाई है तो 2D, एक्स वाई जेड है तो 3D, काम खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये हमारा 1D, 2D और 3D के बारे में हो गया। हालांकि इसके बारे में मैं छोटी सी बात और बता दूं आपको, ताकि आपको आगे और भी बात समझ में आ जाए, ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी, है ना। ठीक, अब इसी के बारे में मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जैसे कि मैंने यहां पर एक पाइपलाइन बनाई, मान लीजिए मेरे पास थोड़ी इधर से बनाते हैं, ये पाइपलाइन हो रही, ये पाइपलाइन हो रहा है, ये पाइपलाइन हो रहा है। ठीक है, और पाइपलाइन की मैं एक्सेस ही बना दूं तो ये पाइपलाइन की एक्सेस हो रही है। तो एक बात बताइए, जैसे कि मैं आपको एक सेक्शन लू इस पाइपलाइन का, एक कोई सेक्शन ले लेता हूं, ये पाइपलाइन का कोई भी एक सेक्शन ले लिया, और इस सेक्शन पे अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए, तो बताइए जो वेलोसिटी मैं बनाऊं इन पॉइंटों की, वो सेम बनाऊं कि अलग अलग बनाऊं,
तो आप सबको पता है कि एक पाइप के किसी सेक्शन पे सभी फ्लूड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। आप खुद सोचो, वह फ्लूड पार्टिकल जो दीवार से सटा हुआ है उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो रही ना, जीरो हो रही ना, बीच वाली की सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सही, यही लॉजिक होता है आपका। और आगे चलती इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है आपके सिलेबस में, जिसको बोला जाता है लेमिनार फ्लो इन पाइप। ठीक है, तो पाइप में होने वाला लेमिनार फ्लो, तो वहां आपको पता चलेगा कि जो पाइप की सटे हुए पार्टिकल होते हैं फ्लूड के, उनकी वेलोसिटी जीरो होती है और सेंटर वाले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यदि मैं वेलोसिटी की प्रोफाइल बनाऊं तो वेलोसिटी की प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे, सॉरी, ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का यह हुआ कि सेंटर वाले की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ये वेलोसिटी, उससे कम ये वेलोसिटी, उससे कम ये, और कह सकते हो कि जो पाइप की दीवार से सटा हो रहा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, इस वेलोसिटी को बोला जाता है कि सर ये मेरी यू मैक्स वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, पाइप की दीवारों पर वेलोसिटी ऊपर से नीचे तक सेम नहीं है, अलग अलग है। लेकिन जब आप अवरत्ता का सिद्धांत पढ़ते हो, अगर आपको याद हो तो अवरत्ता का सिद्धांत जब आप पढ़ा करते हैं तो सीधा सीधा कहते हो कि एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, यहां पर एरिया कह देते हो A1 है, यहां पर एरिया A2 है, यहां पर वेलोसिटी V1 है, यहां पर वेलोसिटी V2 है, और इन चार पैरामीटर में से तीन पैरामीटर आपको बताए जाते हैं और चौथा पैरामीटर निकालना होता है। बात सही है, तो एक बात मुझे बस इतनी सी बताइए कि यहां जो वेलोसिटी V1 मैंने ली है, ये कौन सी वेलोसिटी, अभी अभी बताया कि एक सेक्शन पे वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है? नहीं। होता क्या है कि फ्लूड फ्लो की एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, फ्लूड फ्लो की एनालिसिस को आसान बनाने के लिए पूरे सेक्शन में जो वेलोसिटी का वेरिएशन है उसे मैं कॉन्स्टेंट बना देता हूं, मतलब वेरिएशन को पूरी तरह से जीरो मान लेता हूं, और सारी वेलोसिटी का एक एवरेज वेलोसिटी डालते हैं। तो अगर इस पूरे सेक्शन की सभी पार्टिकल की वेलोसिटी को, सभी को एक एवरेज वेलोसिटी दे दी जाए, ना किसी को मैक्सिमम ना किसी को मिनिमम, तो एवरेज वेलोसिटी की जो प्रोफाइल होगी वो कुछ इस तरह से खींची जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी मैंने बनाई, ये कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है ये मेरी कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी थी। तो फ्लूड फ्लो की एनालिसिस के लिए ही हम लोग को ट्रेट करना पड़ता है कि इन सारे वेलोसिटी को हमें एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कभी इस प्रकार की वेलोसिटी के वेरिएशन को एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तभी ऐसे फ्लो को बोला जाता है कि ये मेरा 1D फ्लो होगा, ये मेरा 1D फ्लो होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहां वेलोसिटी का वेरिएशन वाई डायरेक्शन में था, देख लीजिए, यहां वेलोसिटी कुछ और है, यहां कुछ और है, तो यहां वेलोसिटी का वेरिएशन वाई में था और एक्स में तो रहेगा ही रहेगा, अगर पाइप का एरिया चेंज कर दिया जाता तो एक्स में रहता ही रहता, पाइप का एरिया चेंज कर दिया तो वेलोसिटी का वेरिएशन वाई में था, लेकिन यहां जो वेरिएशन है वाई में वो नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहां वाई में वेरिएशन नहीं है वेलोसिटी में, लेकिन यहां है, तो उस वेरिएशन को हमने यहां कांस्टेंट कर दिया या वेरिएशन को जीरो कर दिया, ऐसा बोलिए, वेरिएशन को मैंने जीरो कर दिया, कोई बदलाव नहीं है। तो जब भी कभी वाई डायरेक्शन में वेरिएशन को जीरो कर दिया जाता है, अर्थात एवरेज वेलोसिटी मान लिया जाता है, तो ऐसे ही फ्लो को बोला जाता है 1D फ्लो। तो कह सकते हो कि इन 1D फ्लो वेरिएशन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब 1D फ्लो में वाई और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन जो नो जो भी होना होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, ऐसे फ्लो को 1D फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, आगे चलते आप लोग पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, अवरत्ता का सिद्धांत, बर्नौली इक्वेशन पढ़ोगे, हर इक्वेशन की में, हर इक्वेशन में जो वेलोसिटी ली जाती है वो एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, हर इक्वेशन में जो वेलोसिटी ली जाती है वो एवरेज ली जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एवरेज मान लेना तो 1D है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हर इक्वेशन को लगाते समय एक जो लिमिटेशन है, एक जो लिमिटेशन है वो हर बार आएगी, और वो कौन सी लिमिटेशन हर बार आएगी कि फ्लूड का फ्लो 1D होना चाहिए, ये लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि जब आप याद करो एनालिसिस करते हो इन सब की, तो वेलोसिटी तो एवरेज मान के करते हो ना,
तो एवरेज मान लेना वन डी होता है आपका। तो लिमिटेशन ये जो वन डी वाली लिमिटेशन है ये हर बार आएगी, तो आप आज से याद कर लेना कि एवरेज वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के वेरिएशन को एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देना ही मेरा वन डी फ्लो होता है। और वन डी फ्लो की लिमिटेशन आपको हर जगह मिलेगी जहां पर आप एवरेज क्रोनोमीटर से फिट करोगे। और जब भी कभी वन डी होगी तो वेरिएशन इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, चलिए फिर इतनी जरूर बात नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर आ जाते हैं। मेरे पास एक ये लास्ट स्लाइड है, तो ये लास्ट स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आपको वन डी टू डी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ सके हैं और अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कुछ वेलोसिटी के वेक्टर लिए हुए हैं, वेलोसिटी के मान लिखे हुए हैं और देखते हैं कि वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए वेलोसिटी का ये जो पहला मान है वो एक्स और टी पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल एक्स और टी पर। थोड़ा ध्यान से समझना, केवल और केवल एक्स और टी पर। तो भैया मेरे एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वाई नहीं है, पहला वाला मान की बात हो रही, जेड नहीं है, केवल एक्स है। तो इसका मतलब ये सर वन डी फ्लो हो रहा, वन डी फ्लो हो रहा। टाइम तो है ना, टाइम है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही, और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसका मतलब ये मेरा अनस्टडी फ्लो हो रहा। और एक्स है यानी एक्स के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही, एक्स के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसका मतलब ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा। ऐसे पहचानना आपको आना चाहिए। सर वेलोसिटी केवल एक्स है, एक्स है, केवल एक्स है, तो सर वन डी हो रहा। टाइम नहीं है, नहीं है टाइम, इसका मतलब सर स्टडी हो रहा, और एक्स आ गया तो मेरा सर नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर एक्स वाई टी, एक्स वाई आ गया, जेड नहीं है, एक्स वाई आया है, जेड नहीं है, तो एक्स वाई है तो सर ये टू डी हो रहा, टू डी फ्लो। एक्स टाइम तो है ना, टाइम है तो सर ये अनस्टडी हो रहा, अनस्टडी। और सर एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो इसका मतलब एक्स वाई के साथ वेलोसिटी चेंज होगी, डेट मीन्स सर ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब अगला देखिए, सर एक्स वाई है तो एक्स वाई है तो इसका मतलब सर ये टू डी हो रहा, जेड नहीं है, लेकिन सर टाइम नहीं है तो स्टडी हो रहा। और एक्स वाई है तो इसका मतलब सर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मेरे भाई ऐसे ही कई सारे फंक्शन आपको दिए जाए तो बस आपको ये देखना होता है कि एक्स वाई है कि नहीं, टी है कि नहीं। तो टी से आपको स्टडी और अनस्टडी का आइडिया लगेगा, और एक्स वाई जेड से वन डी टू टी और थ्री डी, और साथ साथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो यहां पर मेरा ये टॉपिक फिनिश होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे क्या होती है, उसके बाद की चर्चा बाद में करें।